हल्का सा डिफरेंस है, वो देखते हैं समझते हैं क्या है। बैंडेज होता है पट्टी, जो कपड़े की पट्टी होती है जो जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है उस पर बांधी जाती है, उसको बैंडेज कहते हैं। ये नाउन है। अ स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक होता है कपड़ा, फैब किसी कपड़े की बनी हुई स्ट्रिप है, पट्टी है। स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक यूज टू रैप, रैप मीन्स लपेटना, और कवर ए पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी पार्ट को कवर करने के लिए। दैट हैज़ बीन हर्ट इन ऑर्डर टू, जो हर्ट हो गया है, जिसको चोट लग गई है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, या तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए प्रेशर, यानी कि उसको दबा के रखना है गरमाई के लिए, या फिर ब्लड सर्कुलेशन कम करने के लिए या ब्लड को रोकने के लिए दबा के रखना है। तो या तो अप्लाई प्रेशर के लिए या फिर उसको किसी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वुंड हो जाता है, जख्म हो जाता है उस पर जो पट्टी बांधी जाती है। सेंटेंस में एग्जाम्पल देखेंगे, ही टाइड अ बैंडेज अराउंड हिज हेड। यहाँ पे बैंडेज को एज ए नाउन यूज़ किया है। ही टाइड, उसने बांधा था, क्या बांधा था, एक पट्टी बांधी थी। ही टाइड बैंडेज अराउंड हिज हेड, उसके सर के चारों तरफ एक पट्टी बांधी थी। बैंडेज को हम एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है पट्टी बांधना, यानी बैंडेज को बांधना। टू टाई, टाई मीन्स बांधना, टू टाई या बैंडेज, एक बैंडेज को बांधना। एग्जाम्पल है, दे बैंडेज्ड, अब देखो ईडी लगा करके ये इसका पास्ट टेंस बनाया है, तो वर्ब की तरह यूज़ किया है। दे बैंडेज्ड अप माई लेग, उन्होंने मेरी लेग पर पट्टी बांधी। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, टू रेस्ट, आराम करने के लिए कहा। तो बैंडेज को हमने देखा वर्ब की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, बैंडेज क्या है, पट्टी, इसको नोट करें। आगे देखते हैं बैंडेड और प्लास्टर क्या है। आइए देखते हैं बैंडेड क्या है। बैंडेड जो है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, बी और ए दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हैं, दोनों कैपिटल लेटर में हैं, क्योंकि ये बैंडेड जो है, ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का प्रोडक्ट है। जब सबसे पहले, अब तो आप जानते हैं कि कोई भी पट्टी है जिसको हम रेडीमेड पट्टी पैकेट में आती है, ओपन किया और अपने वुंड के ऊपर कहीं छोटा मोटा कट है उस पर आप लगा लेते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए और जख्म को ठीक करने के लिए, वो बैंडेड है। और दुकान पे जाके भी हम यही बोलते हैं शॉपकीपर से कि बैंडेड है। अब वो कोई भी कंपनी का प्लास्टर आपको देता है, इसे प्लास्टर ही कहते हैं, लेकिन हम जाके बैंडेड बोलते हैं क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो चुका है, मार्केट को पूरी तरह से इसने टेक ओवर कर लिया था और अभी तक भी इसकी मोनोपोली है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ये ट्रेडमार्क है, ये उसी की कंपनी का प्लास्टर है। तो पहले हम देखें कि प्लास्टर क्या है। प्लास्टर ये है, ए स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का या प्लास्टिक का एक स्मॉल पीस होता है, विच कैन बी स्टक टू द स्किन, जो स्किन से चिपक जाता है, स्किन पे लगा दिया जाता है, टू प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल वुंड को या कट को बचाने के लिए। छोटा जख्म कहीं है, छोटा कट स्किन पर है, उसको बचाने के लिए एक प्लास्टिक का या किसी फैब्रिक का, कपड़े का बना होता है, उसको हम स्किन पे लगा देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बैंडेड वही चीज़ है। बैंडेज हो गई पट्टी, बैंडेड जो है ये भी एक प्लास्टर ही है। एक प्लास्टर आपने वो देखा होगा जो अक्सर जो है टॉन्सिल्स में यहाँ लगाया जाता है, या स्किन के किसी पार्ट को थोड़ा गर्म रखने के लिए लगाया जाता है। बाहर से वाइट होता है, अंदर की तरफ से उस पर ब्लैक कलर का एक मटेरियल कोटेड होता है, उसे प्लास्टर कहते हैं। वो आपने ज़रूर देखा होगा बचपन में, डॉक्टर्स लगाते थे टॉन्सिल के लिए, यहाँ गर्म करने के लिए, वो प्लास्टर है। तो इस तरह का कोई भी चीज़ जो स्किन से स्टिक कर दी जाती है, स्किन से चिपक जाती है, उसको हम प्लास्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे, डू यू हैव, सॉरी ये प्लास्टर वाला है, ये उसको कवर करने के लिए। तो बैंडेड जो है ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का प्रोडक्ट है, इसीलिए जहाँ भी सेंटेंस में कहीं बैंडेड आएगा वहाँ ये कैपिटल लेटर से लिखा होगा, बैंड और एड भी कैपिटल लेटर से लिखा होगा। जैसे डू यू हैव ए बैंडेड, यहाँ पे भी बैंडेड कैपिटल लेटर से लिखा है। डू यू हैव ए बैंडेड, आई हैव कट माई फिंगर, क्या तुम्हारे पास बैंडेड है, मैंने अपनी फिंगर काट ली है। प्लास्टर हो गया स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक, जो भी हमने डिस्कस किया। इन्हीं दोनों से रिलेटेड एक टर्म है ड्रेस। ड्रेस जो है वो वर्ब है। एक ड्रेस वो है जो आपने नाउन देखा है कि जो हम पहनते हैं कपड़े, वो ड्रेस है, वो नाउन है। ड्रेस को जब वर्ब की जगह इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है टू क्लीन द वुंड एंड कवर इट, किसी घाव को क्लीन करना, साफ करना, और उसको किसी चीज़ से कवर कर देना, उसको हम ड्रेस करना कहते हैं। इसी से बना है ड्रेसिंग, ये नाउन है। ड्रेसिंग क्या चीज़ है, अ पीस ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक, एक सॉफ्ट कपड़े की बनी हुई कोई पीस है, प्लेस्ड ओवर द वुंड, जो जख्म के घाव के ऊपर रखा जाता है, टू एब्जॉर्ब ब्लड, एब्जॉर्ब करना, सोख लेना ब्लड को, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिवेंट होता है रोकना, इन्फेक्शन संक्रमण, संक्रमण को रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए,
एक सॉफ्ट पीस होता है कपड़े का, उसको जब हम किसी वुंड के ऊपर रखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हम वुंड की ड्रेसिंग कर रहे हैं, हम उस घाव की ड्रेसिंग कर रहे हैं। ये होता है ड्रेसिंग करना, और ये एक्ट हो गया ड्रेसिंग। एग्जाम्पल में हम इसका यूज़ दे सकते हैं, प्लेस द ड्रेसिंग, यानी कि वो मटेरियल जो आपने कॉटन लगा के पट्टी वट्टी बैंडेज सब तैयार किया है उसी को ड्रेसिंग कहा है। अ पीस, पीस ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक, प्लेस द ड्रेसिंग ऑन टू द वुंड, वुंड कहते हैं घाव को, घाव के ऊपर ड्रेसिंग को रख दो, एंड रैप अ बैंडेज, रैप कर दो, लपेट दो बैंडेज पट्टी अराउंड, उसके चारों तरफ एक पट्टी लपेट दो। द नर्स ड्रेस्ड, यहाँ पर ड्रेस को वर्ब की तरह यूज़ हुआ है सेकेंड फॉर्म से। द नर्स ड्रेस्ड दैट कट, नर्स ने ड्रेस किया था उस कट को यस्टरडे, यानी कल, कल उस कट को नर्स ने ड्रेस किया था। तो ड्रेस करना हमने देखा, ड्रेसिंग देखा, प्लास्टर और बैंडेड एक ही बात है, लेकिन ये क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है इसलिए कैपिटल से लिखा जाता है, तो ये हुआ प्लास्टर, जबकि बैंडेज जो है ये फैब्रिक का, कपड़े का बना हुआ पट्टी है जिसको जख्म पे लपेटते हैं, बॉडी पार्ट को कवर करते हैं, वुंड को। आई थिंक क्लियर हो गएंगे दोनों, बैंडेज, बैंडेड और प्लास्टर।